प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अमृता अस्पताल का किया लोकार्पण। पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश और एमके झा के रांची समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। अवैध खनन से संबंधित कई जानकारियां ईडी के हाथ लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश के आसार। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों की जगी उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। ईश्वर कृपा, उदाहरण के लिए यदि कोई एक व्यक्ति एक नीलामी के लिए जाना चाहता हो, वो सुबह जल्दी तैयार होकर कार से एयरपोर्ट के लिए निकले तो हो सकता है रास्ते में कार खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए और वो फ्लाइट के समय तक एयरपोर्ट ना पहुंच पाए, या समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए और चेक इन भी कर ले पर बाद में घोषणा हो जाए कि इंजन में किसी गड़बड़ी के कारण या खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद्द हो जाती है। यहाँ इस आदमी ने प्रयत्न तो किया लेकिन कृपा पक्ष उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। हमारे सभी कर्मों को पूर्ण बनाने के लिए ईश्वर कृपा का होना आवश्यक है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें और ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा सबकी रक्षा करें। ओम अमृतेश्वरी। कितना दिव्य ज्ञान हमारी प्यारी अम्मा, आपके ज्ञान रूपी सनातन प्रयास को हम हृदय से नमन करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हॉस्पिटल के हम सभी कार्यकर्ता आपकी प्रेरक दृष्टि, प्रेम, करुणा एवं समर्पण और निस्वार्थता को याद रखते हुए आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। अब मंच पर हरियाणा के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप यहां उपस्थित सभा को संबोधित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस केंद्र पर लगभग 683 करोड़ रुपए की लागत आई है और 300 बिस्तरों का यह कैंसर अस्पताल उत्तरी भाग के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। का भी लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। इससे पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध होगा। ये कैंसर अस्पताल तृतीय स्तर का अस्पताल है जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिए हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में हो रहा है। यह सम्मेलन श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से आयोजित किया जा रहा है। यह बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम अवैध खनन से जुड़े मामले में आज सुबह से रांची में समेत कई अन्य शहरों में छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम ने सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश और एमके झा के कई ठिकानों पर सुबह से ही जांच में जुटी हुई है। प्रेम प्रकाश का झारखंड के नौकरशाह और राजनीतिक दलों में मजबूत पकड़ माना जाता है। बताया गया है कि रांची के अरगोड़ा और अशोकनगर समेत 11 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में ईडी को गलत तरीके से लेन देन की कई जानकारी मिली है। इससे पहले भी प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। पेश है यह खास रिपोर्ट। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल है। ये राष्ट्रव्यापी पहल छात्रों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग जगत और अन्य संगठनों की विभिन्न समस्याओं को हल करने का मंच प्रदान करती है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करणों के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 25 अगस्त से होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 2 दिनों तक जबकि हार्डवेयर संस्करण 5 दिनों तक चलेगा। हैकाथॉन के पहले दिन यानी 25 अगस्त की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक नेशन वाइड हमारे एक सारे स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है। ये क्या मौका है? मौका है सारे मिनिस्ट्री, हमारे विभाग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जितने प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम लेते हैं पहले से, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को मौका देते हैं, सो दैट दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित करने के लिए देश भर में 75 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं। ग्रैंड फिनाले में 2033 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 15,000 से अधिक छात्र शामिल हैं। ये छात्र 53 सरकारी विभागों और मंत्रालयों की 476 समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए, किसी ना किसी समस्या का समाधान निकलना चाहिए। ये जब मन में आ जाता है और उसके बीज रोपण हो जाता है, तो उससे बहुत सारे लोगों ने इनको अच्छी अच्छी जॉब मिलते हुए भी उसको ठुकरा कर अपना व्यवसाय शुरू करने की जो आदत डाली है, उसमें से अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स निर्माण हुए, करीब करीब 700, और AICT ने ही करीब 90 ऐसे स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक का सपोर्ट भी दिया हुआ है, और बाद में बाहर से भी उनको फंडिंग मिलकर जॉब सीकिंग के जगह में जॉब क्रिएशन में अभी छात्र लग गए हैं। ये बहुत बड़ा है। भारत अभी दुनिया के तीसरा स्थान पर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बहुत जल्द ही हम सेकेंड स्थान या फर्स्ट स्थान में जाने में सफल हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक बड़ी पहल है। ये देश के लाखों छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान का मंच प्रदान करता है और उनमें नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। नई दिल्ली से निशांत सौरभ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर IIT ISM धनबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से दिए गए 6 इंडस्ट्रीज बेस्ड समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज से आए छात्र सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे। यह जानकारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अजित कुमार एवं IIT ISM के निदेशक डॉ. राजीव शेखर ने दी है। कार्यक्रम है यह जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका मकसद क्या रखा है? देखिए, हमने
हमारा ये इसका ये मकसद है कि एक छात्रों में और सब इंस्टीट्यूट में एक इनोवेशन इकोसिस्टम बने और जो माननीय प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की ओर जो जा रहे हैं उस ओर जाने में हम लोग उस ओर हम लोग और तेजी से उस तरफ बढ़ेंगे। अच्छा सर, ये जो देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 10,649 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 10,677 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 96,442 सक्रिय मामले हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोनावीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया है। जिले में अब कोरोना के 39 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,10,60,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इस बीमारी को टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोलम जिले में 6 मई को पता चला था। स्थानीय सरकारी अस्पतालों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 वर्ष से कम आयु के 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लक्षणों में बुखार आना, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना शामिल है। इसकी शुरुआत हल्के बुखार से होती है तथा भूख कम लगती है और बेचैनी रहती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए। देश के कैसे तबके के लोग जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने की होगी, उसके लिए काम करने की होगी। मुझे खुशी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2019 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सोसाइटी के हर समाज के इक्वल उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए कानून पारित किया था। तब जाके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अन्य कम्युनिटी के इक्वलेंट अपना जीवन को जी सके। मुझे याद है मैं गुजरात में विधायक हुआ करता था और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर से 200 किलोमीटर दूर थी। जब मैं सुबह में निकलता था गांधीनगर आने के लिए रास्ता पर जितना रेलवे क्रॉसिंग आते थे वहां पर हमारे ट्रांसजेंडर भाइयों वहां पर खड़े होते थे और ये दृश्य में देखता था, मैं इतना दुखी हो जाता था। वो ताली लगा के रोड पर खड़े होते थे, कई बार उसको अपमान सहना पड़ता था, हर पल पर उसको उसका अपमान होता था। मेरे मन में था कि उसको न्याय मिलना चाहिए। चतरा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में श्री ठाकुर ने जिले में संचालित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में विभागवार विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अधिकांश कार्य संतोषप्रद पाए गए और लंबित कार्यों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। थे और
सभी विभागों की बारी बारी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत संतोषजनक कार्य पाए गए, लेकिन जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी, जो त्रुटियाँ थी, उसको दूर करने का निर्देश दिया गया कि तेजी से जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनता के द्वारा के लिए लाई जा रही हैं वो धरातल पर उतरे, इसका पूरा ध्यान संबंधित पदाधिकारी रखे, इसका कड़ा निर्देश दिया गया है। आज पहली बैठक थी, इसलिए जहाँ जो कमियाँ थी उनको उनसे अधिकारियों को अवगत कराया गया कि अपनी जिम्मेदारी को आप भली भांति से समझें और जनता को जो योजनाएं जनता के लिए लागू की गई उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल सके। और बिजली नहीं तो पानी नहीं के मुद्दे को लेकर कोडरमा में बरकट्ठा विधायक अमित यादव और डीवीसी के बीच तकरार थम गई है। श्री यादव ने जिला प्रशासन की मध्यस्थता में कल हुई बैठक के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। इसके साथ ही डीवीसी के लिए जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बैठक की अगुवाई कर रहे उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए डीवीसी के साथ समझौता किया गया है और कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है। एक तो कि बिजली निर्बाध रूप से कोडरमा जिले को मिले, तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो लोड शेडिंग की बात थी, तो हम लोग चूंकि ये लोग बार बार झारखंड सरकार और उसके इंजीनियर्स पर आरोप लगा रहे थे कि वहाँ से कटता है, तो हम लोगों ने उनको भी बैठक में रखा था और अभी सामंजस्य हो गया है। और खुल के जो बात सामने आई है उसमें यही है कि ज़्यादातर गलतियाँ CLD से जो कट होता है लाइट DVC से उसकी ही है। तो हम लोग एक प्रायर इन्फॉर्मेशन चैनल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहें ताकि कम से कम ये पता चले कि कब कट रहा है। तो हम लोग लास्ट और एक महीने का लास्ट जो कटौती किया गया उसका भी लिस्ट मंगवा रहे हैं। वहीं विधायक अमित यादव ने कहा कि कोडरमा में खासकर डीवीसी के थर्मल पावर प्लांट से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के साथ मिलकर कोडरमा के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति पर सहमति बनी है। तो इसका स्पष्ट आज बात ये ऊपर से भी किया, CLD मैथन से भी बात किया और अपना चेयरमैन से भी बात किया। इसमें हुआ कि जो लोड शेडिंग पूरे राज्य में करता है वो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट लोड शेडिंग यहाँ नहीं करेगा और ये निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराएगा। और इसमें से जो स्पेशली कोडरमा से जो KTPS बांजरी थर्मल पावर प्लांट से जो हम लोग का निकलता है वो निर्बाध रूप से रहेगा, इसमें से हम लोग को कटौती नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। खूंटी जिले में आतंक मचाने वाला सम्राट गिरोह का सुप्रीमो जयनाथ साहू ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके खिलाफ रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए उसने रांची सिविल कोर्ट में जज कमलेश बेहरा की अदालत में सरेंडर किया। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि जयनाथ साहू को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। सम्राट गिरोह से बिलोंग करते थे और जयनाथ साहू के द्वारा सरेंडर किया गया है कल रांची के कोर्ट में, जिसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। और हम लोगों ने भी अपना डिटेल जो है खूंटी जिला में जो भी केसेस हमें निकलवाया है, लगभग 28 केस दर्ज हैं, जिसमें विभिन्न तरह के हत्या के, आमसक के और विभिन्न मामले दर्ज हैं। मोस्ट जो मामले हैं, ज़्यादातर जो मामले हैं वो कर्रा थाना क्षेत्र के हैं, मैक्सिमम मामले वहीं के हैं और कुछ खूंटी के हैं, मुरहू के हैं और तोरपा थाना क्षेत्र के। सभी कांडों में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवाए जा रहे हैं ताकि सभी कांडों में उसको रिमांड किया जा सके। चतरा में कल शाम अज्ञात बेकाबू वाहन के चकमे के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में कार गिर जाने से उस पर सवार गर्भवती महिला सिपाही और उसके पति जख्मी हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को गाड़ी से निकालकर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला सिपाही ने दम तोड़ दिया। बताया गया है कि महिला सिपाही मेडिकल चेकअप कराकर हजारीबाग से अपने पति के साथ निजी वाहन से चतरा लौट रही थी। हमारी आरक्षी संख्या 850 अपने पति के साथ वो हजारीबाग से मेडिकल ट्रीटमेंट करा के वापस चतरा रही थी। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के रामटुंडा के पास रोड एक्सीडेंट हो गया और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जहां उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात का यह 92वीं कड़ी होगी। जन जन की,
संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यक्रम के दौरान चतरा डीलर संघ ने प्रदर्शन किया। परिसदन भवन परिसर में संघ के प्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने जिले में लागू ई पास मशीन से वोटिंग मशीन को जोड़कर अनाज वितरण करने के तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। वहां से किया जाता है, खाद्यान्न का जितना भी प्रक्रिया है गरीब के हित के लिए वहां से संचालित किया जाता है। डीलरों का भी समस्या वहीं से निदान किया जाता है। वहां एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त है, वो मनमानी तरीके से संचालित अपने हिसाब से पूरा डीएसओ को कार्यालय को करता है, और तब से पूरा बिना आदेश के कोई भी चीज़ को लागू कर देना। आज जो ई पोस्ट मशीन और वेट मशीन का जो समस्या डीलरों के बीच जो हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान उस कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ठाकुर जी आए हुए थे, हम तमाम डीलर एकजुट होकर के उनसे मांग रखा है मैंने कि यहाँ ई पॉस मशीन को वेट मशीन से जोड़ दिया गया है, और मात्र 887 डीलरों में 357 लोगों को जोड़ा गया है। शायद चेक किया जा रहा था, और वो तमाम जो जोड़ा गया है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, चूँकि 2G आपका सेवा यहाँ बहाल है। हमको लगता है कि 4G सेवा जब तक के नहीं सरकार बहाल करती है, वेट मशीन को ई पॉस मशीन से जोड़ना उचित नहीं है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकती है। विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों को उम्मीद जगी है कि धान की रोपनी का कार्य पूरा हो जाएगा। विभाग के अनुसार कल और परसों बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 27 अगस्त को फिर राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग की उपायुक्त डीसी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति निराकरण पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने जानकारी दी कि बीते अप्रैल महीने में लंबित आवेदनों की संख्या 10,486 थी, जो घटकर 7,904 हो गया है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग में अधिकारियों के साथ बैठक कर जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्कूलों में संचालित अभियान में 100% बच्चों का प्रमाण पत्र बनवाने में किसी स्तर पर कोताही नहीं बरतने को कहा। उन्होंने अभियान के तहत अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, परंतु प्राप्त आवेदन, लंबित आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र के अलावा निरस्त आवेदन को पुनरावलोकन करने को कहा। हजारीबाग की उपायुक्त नैंसी सहाय ने जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों से मिली एवं उनकी समस्याओं को जाना। साप्ताहिक आयोजित होने वाले जनता दरबार में जिलेवासियों की समस्याओं के निवारण के लिए उपायुक्त के समक्ष लगभग 4 दर्जन से अधिक आवेदन आए। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के समस्याओं से निष्पादन की आस लिए आए नागरिकों के फरियाद को सुन उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांचोपरांत न्यायिक संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर की गलियालोर गांव के तालाब में डूबने से मंगलवार को एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गलियालोर गांव निवासी 55 वर्षीय जेमा केराई मंगलवार को गलियालोर गांव स्थित तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया। बारिश के कारण तालाब का पानी अत्यधिक बढ़े होने के कारण वह तालाब में डूब गई।
बोकारो थर्मल पुलिस और सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने संयुक्त रूप से कथारा के निकट मैगजीन ग्राउंड से लगभग 25 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कथारा के बोडिया बस्ती स्थित सीसीएल मैगजीन ग्राउंड के समीप खेत से कोयला छिपाकर रखा गया था। जब्त किए अवैध कोयले को ट्रकों में लोड करके सीसीएल जारंगडीह कोलियरी प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर उद्योग क्षेत्र में खदान और क्रशरों के बंद होने से बेरोजगार हुए हजारों आदिवासी मजदूर 23 अगस्त को परंपरागत हथियारों से लैस होकर सरस डंगाल के लालझा चौक पर सड़क जाम विरोध प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश में मजदूरों ने खोलो क्रशर, खोलो खदान और काम दो के नारे लगाए। साहेबगंज जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर मोड़ के पास 22 अगस्त की देर रात देशी कट्टा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ राजेंद्र दुबे ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक बाइक भी जब्त कर लिया। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापा मारा। इस दौरान पिपरा के सरैया पंचायत अंतर्गत पिठौरा और कुंड पर जंगली इलाके में 3 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। इसके तहत करीब 250 लीटर निर्मित शराब बरामद के साथ ही 62 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया है। पलामू के उपायुक्त ए दोडे द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें जिले के अलग अलग हिस्सों में आमजन अपनी शिकायत लेकर आए थे। उपायुक्त ने एक एक कर आमजनों से मिलकर उनकी शिकायत सुनी और प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने जाति, पेंशन, जमीन, पानी, स्वास्थ्य सहायता, पशु सेड इत्यादि से संबंधित कुछ आवेदनों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया। खूंटी जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उचित पोषण के विभिन्न पहलुओं और हर स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जिले में विशेष पोषण साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। और मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अमृता अस्पताल का किया लोकार्पण। पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश और एमके झा के रांची समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। अवैध खनन से संबंधित कई जानकारियां ईडी के हाथ लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश के आसार। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों की जगी उम्मीद।